कहाँ पे अंदर कहाँ घुसी जा रही है? मैडम मैं अंदर जा रही हूँ। क्या करने, तेरे बाप का रेस्टोरेंट है जो अंदर घुसी चली जा रही है? मैडम बाप पे मत जाइए, बाप का तो नहीं है लेकिन मेरा है। तेरा है ये रेस्टोरेंट? तेरा है मतलब तू बकती बदतमीज, किस बात का कर पाल रखा है तुमने? तूने मुझ पे हाथ उठाया, यहाँ की मैनेजर पे? मैं वो हाल करूंगी कि तू पहचानने लायक नहीं रहेगी, समझी? यहाँ की मैनेजर पे हाथ उठाएगी तेरे तो वो हाल करूंगी ना कि तू पहचान नहीं पाएगी, इसी में सब लड़ा के मार दूंगी, समझी तू बदतमीज औरत। मैडम क्या कर रहे हो आप, मेरी गलती क्या है? मैं अंदर ही तो जा रही हूँ ना, और अंदर जा रही है तू, तेरा ये ना मैं पैर ही तोड़ दूंगी, अंदर जाने लायक ही नहीं बचेगी तू। मैडम को दर्द हो रहा है, दबा दो पैर, दबा दो, मैडम छोड़ दो मैडम। कैसा लगा, मजा आया? तूने मुझ पे हाथ उठा के बहुत बड़ी गलती कर दी है, समझी? मैडम किस बात की थी, अगर पाल रखा है आपने मामूली सी चौकीदार। मैनेजर हूँ यहाँ की। किसने रखा है तुम्हें मैनेजर की पोस्ट पे, मुझे ये बता दो। किसने रखा है यहाँ के ऑनर ने? मिस्टर आकाश सिंह ने। आकाश यहाँ का कर्ता धरता है, सीनियर मैनेजर है ना कि मालिक। तेरी हिम्मत कैसे हुई सर का नाम लेने की? आज तक मैंने नाम नहीं लिया है और मैं तुझे सिर्फ बता रही थी और तू उनका नाम लेने पे आ गई। तेरी इतनी औकात, तेरी औकात नहीं है कि तू उनके सामने खड़ी भी हो सके। इसमें लड़ा के तेरे को ना सच में जान से मार दूंगी मैं। मैं लूंगी उसका नाम क्योंकि वो हमारे स्टाफ है। अभी भी तुझे समझ नहीं आ रहा है क्या? कह रही हूँ सर को ऐसे मत बोल। तुझे पता है यहाँ जितने लोग काम करते हैं सबको सैलरी वो देते हैं और तू उनका नाम लेके बात करेगी और उनसे बदतमीजी करेगी। देख सुधर जा, ये तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अच्छा मेरा अंजाम बुरा होगा, बता क्या कर लेगी, क्या कर लेगी, मेरा क्या उखाड़ लेगी, उखाड़। देख दो कोरी की मामूली सी चौकीदार, तुझे अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा ना, पहले तो दो रट, ठीक है ना? हर बात पे हाथ उठा रही है, तुझे पता है किसे बात कर रही है? तेरे जैसी दो कौड़ी की औरत से बात कर रही हूँ और मुझे चौकीदार बोल रही है? तेरे को एक बार में लगता है समझ नहीं आता है? तेरे को ना यहीं दबा के मार दूंगी मैं। वो तो तेरे अंदर पावर भी नहीं है कि तू मेरा कुछ भी कर पाए, ठीक है? ये शरीर का ना एक बाल भी नहीं खा सकती है। इतना मार खाने के बाद भी ना तेरे को समझ नहीं आया, शायद बहुत ज्यादा मोटी चमड़ी है तेरी। तेरे को तो ना मैं बताती हूँ क्या कर लेगी। पहले तो तू आकाश को फोन मिला और पूछ कि प्रीति सिंह है कौन। खड़ी खड़ी शकल क्या देख रही है, मिला फोन आकाश को। तेरी ये भी ख्वाहिश पूरी कर दे। हाँ कर दे, हो सकता तेरी जॉब भी चली जाए। मेरी जॉब? दो कौड़ी की औरत मेरी जॉब खाएगी? हेलो सर। हाँ जी सर। सॉरी सर मैम आप अंदर चलिए। क्यों क्या हो गया? मैम सॉरी, वो सर कैमरे में देख रहे थे, उन्होंने आपको देख लिया। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ की ऑनर हैं। आपने पूछा, मौका भी दिया मुझे बोलने का, सीधे थप्पड़ मारे, धक्का मारे, इतना ज़्यादा अत्याचार किए हो। मैंने बोला था ना हो सकता है इस रेस्टोरेंट में आखिरी दिन होगा आपका। नहीं मैम सॉरी। मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं सिर्फ ऑनर हूँ और मुझसे ज़्यादा पावर आकाश के पास है, क्योंकि रेस्टोरेंट का सीनियर मैनेजर आकाश है और सारा डिसीजन वही लेता है और मुझे उसके डिसीजन पे नाज है क्योंकि उसने आज तक कोई डिसीजन गलत नहीं लिया। इसलिए तुमने जो भी मेरे साथ किया ना, मैं आराम से जुर्म सहती रही क्योंकि मुझे पता है कि वो ऑन कैमरा सारी चीज़ें चेक कर रहा होगा। वो इस कंपनी के प्रति बहुत ही वफादार है, पता नहीं तुम्हें कैसे उसने हायर कर लिया ये मुझे नहीं पता। हो सकता है तुमने अपना गिरगिट जैसा चाल उसके सामने दिखा दिया हो। सॉरी मैम प्लीज। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारे सॉरी बोलने से। मैम प्लीज आप आकाश सर को समझाइए ना। मैं नहीं समझा सकती, आप खुद बात करो। आप बोल रहे थे ना रेस्टोरेंट का मालिक है आकाश सिंह, तो आप आकाश सिंह से कांटेक्ट किए थे। अगर वो आपको माफ कर देता है तो ठीक है, बट मुझे भरोसा है उसके ऊपर कि वो कभी माफ नहीं करेगा क्योंकि वो ऐसा इंसान है ना कि अपने ऑनर की दिल से रिस्पेक्ट करता है। सॉरी मैम। साइड जाओ।